नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। क्वाड देशों के समूह में शामिल होने की आशंका पर ड्रैगन ने बांग्लादेश को आंख दिखाई, जिस पर बांग्लादेश भी चीन को जवाब देने से पीछे नहीं हटा। बांग्लादेश की दहाड़ के बाद चीन के आकाओं की बोलती बंद हो गई। आखिर क्यों चीन को फिर से मुंह की खानी पड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश के अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व वाले क्वाड गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर चीन बौखला उठा और उसे धमकियां देने पर उतारू हो गया, जिसके बाद बांग्लादेश ने चीन की ऐसी क्लास लगाई कि चीन के आंकड़ों तक की बोलती बंद हो गई और ढाका ने ड्रैगन के खिलाफ जोरदार पलटवार किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने कहा कि हमारा देश एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। बांग्लादेश यह खुद तय करेगा कि उसकी विदेश नीति क्या होगी। हमने चीन से यह अपेक्षा नहीं की थी और हम अपना कोई भी फैसला बांग्लादेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लेंगे। बांग्लादेश ने तुरंत करारा जवाब देते हुए चीन को उसकी औकात याद दिला दी, जिसके बाद मोमेन ने चीन के राजदूत ली जीमिंग की धमकी पर कहा कि उनका बयान बिना सोचे समझे दिया गया है। अब्दुल मोमेन ने आगे कहा कि चीन का किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का प्रयास असामान्य है। हमने इसकी चीन से अपेक्षा नहीं की थी। अभी तक क्वाड के किसी भी सदस्य ने बांग्लादेश से संपर्क नहीं किया है। सिर्फ बांग्लादेश की क्वाड देशों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इस आशंका पर चीन बौखला उठा और बांग्लादेश को धमकियां देने लगा। बता दें कि चीनी राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को अमेरिकी नीति क्वाड गठबंधन में शामिल होने को लेकर आगाह करते हुए धमकी दी थी कि ढाका के इस बेजिंग विरोधी क्लब का हिस्सा बनने पर द्विपक्षीय संबंधों को भारी नुकसान होगा। चीन के रक्षा मंत्री की बांग्लादेश यात्रा के बाद चीनी राजदूत ली जिमिंग की ये अप्रत्याशित चेतावनी सामने आई है। बहरहाल चीनी राजदूत ली जिमिंग की टिप्पणी को बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और आक्रामक बताया है और चीन को करारा जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है और उसकी चीजों में ड्रैगन दखलंदाजी ना करे तो ही बेहतर होगा। वहीं अमेरिका ने भी चीन की इस नई चाल पर करारा जवाब दिया है। बांग्लादेश ने चीन की धमकी पर ऐसा प्रहार किया कि ड्रैगन की हेकड़ी निकल गई। चीन बांग्लादेश के क्वाड देशों के समूह में शामिल होने की आशंका पर बौखला रहा था और बार बार बांग्लादेश को व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की धमकी भी दे रहा था। चीन की इस बौखलाहट पर जब बांग्लादेश ने दहाड़ लगाई तो चीनी राजनेताओं की बोलती बंद हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।